और चलिए अब सीधा लिए चलेंगे मेरठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मेरठ में मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जनसभा स्थल पर पहुंचने से पहले कुछ खिलाड़ियों से भी चर्चा करते हुए पीएम मोदी। तो ये सीधी तस्वीरें मेरठ से आपको दिखा रहे हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम का, आज जहां ये सौगात आज मिलने वाली है मेरठ को। और कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी यहां खिलाड़ियों से चर्चा इस वक्त कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश की और डिप्टी सीएम भी इस वक्त तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। और अब पीएम मोदी इनसे चर्चा भी करेंगे। ये पांच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अभी तक का जो पीएम मोदी का कार्यक्रम रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जहां अलग अलग चरणों में इस कार्यक्रम में दिखे हैं, पहले उन्होंने पूजा की, शिवलिंग पर माथा टेका, भगवान शिव का जलाभिषेक किया, शहीद स्मारक भी पीएम पहुंचे थे और पीएम का स्वागत इस दौरान मंदिर में किया गया था, उन्हें अंग वस्त्र दान किए गए थे। तो ये अलग अलग तस्वीरें अभी तक पीएम मोदी के काफिले की। प्रधानमंत्री मोदी जब मंदिर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया, पूजा से पहले उन्होंने हाथ धोए, शिवलिंग पर उन्होंने जलाभिषेक भी किया, शहीद स्मारक भी पीएम पहुंचे थे, अंग वस्त्र भी उन्हें दान किए गए जब वे मंदिर पहुंचे थे। तो ओघड़नाथ मंदिर की तस्वीरें तो आपको दिखाई ही रहे हैं, उससे आगे बढ़ते हुए पीएम का काफिला अब पहुंचा है जहां जनसभा स्थल से पहले ये खिलाड़ियों से चर्चा का दौर भी चल रहा है और कुछ खिलाड़ी भी पीएम से बात कर रहे हैं। ये भी आपको सुनवाएंगे आखिर क्या चर्चा इनके बीच चल रही है। लेकिन शुरुआत से ही प्रधानमंत्री मोदी युवा जोश को आगे बढ़ाने के लिए और हमारे खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो औहदा और मंच देने के लिए स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड के हों, इसके बारे में लगातार अपने विचार रखते रहे हैं। और अब मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में भी वो तमाम सहूलियतें होंगी। इससे पहले खिलाड़ियों की क्या मांगे हैं और उन्हें क्या लगता है कि क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, उन पर भी चर्चा हो रही है। फिलहाल ये तस्वीरें आपको मेरठ में रैली स्थल की दिखा रहे हैं जहां भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी कुछ ही देर में मंच पर पहुंचेंगे। मेरठ में आज प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन होगा और पीएम के इंतजार में बैठे हैं ये लोग। तो काफी भीड़ इस वक्त यहां नजर आ रही है, बीजेपी के झंडे और टोपी पहने हुए लोग इंतजार कर रहे हैं। और हमारे संवाददाता शक्ति ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, अभी क्या कार्यक्रम स्थल पर चल रहा है, प्रधानमंत्री मोदी अभी किन से संवाद कर रहे हैं? देखिए अगर बात की जाए तो मेरा जो मैं अपने पीछे दिखा रहा हूं सबसे पहले कि अभी तक भी यहां पर जो सिलसिला है लोगों के आने का वो बदस्तूर जारी है। लोगों में सीधा साधा उत्साह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, तो उन्हें देखना है, सुनना है, तो उनको लेकर एक सुबह से ही जो लोग काफी लड़ाई दिखा रहे हैं और शायद सुबह से ही यहाँ पर जिस तरह की यहाँ पर आप देख सकते पीछे भीड़ जो ग्राउंड है उसमें आने का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है और लोगों का साफ तौर से ये कहना कि जितनी बड़ी सौगात इस क्षेत्र को दी जा रही है जी। और ये मांग हमारी बहुत पहले थी, हमारे जो बच्चे हैं वो अब आगे अपनी प्रतिभाओं को दिखा पाएंगे और कहीं ना कहीं देश में अपने प्रदर्शन करेंगे। तो जिस तरीके से हमारी जो एथलीट थे उनसे भी बात हुई तो उनमें भी एक अलग ही खुशी का माहौल था। यहाँ युवा भी है, युवाओं से बात करते हैं, आप आइए आप बताइए कि आज इतनी बड़ी सौगात मिलने वाली है आप लोगों को, उसके क्या सोचते हैं? जो युवा है, जो एथलीट है, वे आगे आके जो खेल में चढ़ रहे थे उन्हें उनके लिए अवसर है, उन्हें खेल में ज्यादा प्रतिभा दिखाने का अपना मतलब ज्यादा उम्मीद लगा उत्साह ज्यादा से ज्यादा एथलीट निकले के हमारे ज्यादा से ज्यादा भाई। आप बताइए आप कहाँ से आए हैं? पूजा नगर से। ये बताइए कि आप एक बहुत बड़ी सौगात मिलने वाली है मेरठ को। जी जी। और यहाँ पर एक पहले से एक मांग चल रही थी क्योंकि यहाँ के यहाँ इतना बड़ा कोई विद्यालय नहीं था, ठीक है? आप ये बताइए कि अब वो विद्यालय मिलने के बाद आप लोग किस तरह से देखते हैं, जो बच्चे यहाँ के युवा है आप भी किस तरह देखते हैं? इसका बहुत युवाओं को फायदा मिलेगा, हमारे आने वाली जो अगली पीढ़ी है जिसका भरपूर आनंद लेगी, कामयाबी मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल। और वही रैली स्थल
तो फिलहाल आपने सुना किस तरह से लोगों की भी मांग है कि जो स्टेडियम है उसमें सहूलियतें और बढ़ेंगी, जिससे फायदा होगा। फिलहाल तस्वीरें भी आपको ये दो दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के इंतजार में मेरठ में जनसभा स्थल पर काफी लोग पहुंचे हुए हैं और अभी भी सिलसिला जारी है। जिस तरह तस्वीरें हमारे संवाददाता ने भी दिखाने का प्रयास किया था, तो दो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पीएम ने इससे पहले मंदिर में पूजा अर्चना की और इस वक्त वे खिलाड़ियों से चर्चा कर रहे हैं और अब से कुछ ही देर के बाद वे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, मंच से उनका संबोधन होगा। तो मेरठ की जनता भी आज इंतजार में है पीएम मोदी के, कुछ ही देर में वे रैली स्थल पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन उससे पहले की ये तस्वीर शिव साधना करते हुए पीएम मोदी की भी आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा भी पांच तस्वीरें हमने आपको दिखाई जहां अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का जो दौरा है वो अलग अलग चरणों में बढ़ता हुआ अब जनसभा स्थल तक पहुंचेगा। इससे पहले स्टेडियम में किस तरह की सहूलियतें हैं और क्या जरूरतें हैं खिलाड़ियों की, इस पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं। संवाद की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। फिलहाल ये जो ताजा तस्वीर आपको जनसभा स्थल की दिखा रहे हैं और अब ये पांच तस्वीरें देखिए जहां आज पीएम मोदी ने ओगड़नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की थी। उससे पहले जब वे पहुंचे तो उन्होंने हाथ पांव धोए, मंदिर में पूजा अर्चना करने से पहले भगवान शिव का जलाभिषेक उन्होंने किया। जब वे मंदिर में पहुंचे तो उन्हें अंगवस्त्र दान किए गए और तिलक उनका हुआ। शहीद स्मारक भी पीएम मोदी आज पहुंचे थे। स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं उन पर लगी ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री मोदी ने देखी थी और अब से कुछ ही देर बाद वे जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे जहां भारी तादाद में लोग मौजूद हैं। तो पीएम मोदी की जनसभा में भारी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पीएम के पहुंचने पर लोग काफी उत्साहित हैं, हर कोई पीएम को सुनना चाहता है। एबीपी गंगा के संवाददाता बलराम पांडे ने लोगों से बात की, सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आज मेरठ में जनसभा है और इस जनसभा में लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। भारी तादाद में लोग पहुंच भी चुके हैं। हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहां पर लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको जनसैलाब ही जनसैलाब नजर आएगा, क्योंकि भारी तादाद में लोग आज अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए मेरठ पहुंचे हैं। और उनका कहना है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रधानमंत्री बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। आप देखिए एक महिला मोदी जी की फोटो को लेकर के यहाँ पर आई हुई है, क्या कहेंगी आप मोदी जी की फोटो लेकर के यहाँ पर आई हुई है? मेरे बेटे ने बनाई है, छोटे बेटे ने बनाई है। बहुत अच्छा लग रहा है, हम यहाँ पे आए हैं आज, मोदी माननीय मोदी जी आ रहे हैं, माननीय योगी जी आ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये फोटो आपके बेटे ने बनाई है, हम चाहेंगे कि आप आगे आइए और दिखाइए कि किस तरीके की फोटो आप देखिए इस बच्चे ने बनाई है मोदी जी की। और ये यहाँ पर मोदी जी को भेंट करने के लिए लेकर आए हुए हैं। तो इस किशोर की जो प्रेरणा है मोदी जी के प्रति वो कहीं ना कहीं दर्शा रही है इस फोटो में, क्या कहेंगे आप? जी मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे गांव में मोदी जी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। योगी जी, मैंने योगी जी की भी बनाई है, अभी फ्रेम होने के लिए गई है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे जब मैंने बनाई मैं अंदर से बहुत खुश था। देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ महिलाएं भी पहुंची हुई हैं अपने प्रधानमंत्री को सुनने के लिए और लगातार हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार इस जनसभा में किस तरह से लोग पहुंच रहे हैं, क्या कहेंगे आप? आप भी प्रधानमंत्री जी को सुनने आई हैं? टीवी में तो रोजाना देखते हैं लेकिन आज सामने से देखने के मिलेंगे हमें बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत ही अच्छा। तक टीवी में देखा था, आज साक्षात्कार होगा? हाँ जी, आज प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे उनको, हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बहुत खुश हैं आज मोदी जी हमारे गांव में आ रहे हैं, पहली बार फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा और युवाओं में बहुत उल्लास है। बच्चे भी घर पे नहीं रुक पा रहे थे तो बोल रहे थे पापा दिखला के लाओ, इसी वजह से हम बच्चों को भी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनका कहना है कि अभी तक उन्होंने प्रधानमंत्री जी को टीवी पर देखा था लेकिन आज उनका साक्षात्कार होगा, उन्हें आमने सामने से देख सकेंगे और ये मौका ये पल उनके लिए ऐतिहासिक पल होगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो जनसभा है उसकी तैयारी हो चुकी है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पहुंचेंगे और वो इस जनसभा को संबोधित करेंगे और वो पल आज मेरठ के लिए ऐतिहासिक होगा, क्योंकि आज
वो खेल विश्वविद्यालय की सौगात पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी देंगे। मेरठ से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन कुमार के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। पीएम मोदी बस कुछ ही देर में रैली स्थल पर पहुंचने वाले हैं। आपको 5 तस्वीरें अब दिखाते हैं, जहां अभी तक का पीएम मोदी का जो प्रोग्राम रहा है उसकी ये 5 तस्वीरें हैं, जहां मेरठ में जो जनसभा होनी है उस स्थल पर काफी तादाद में लोग इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले ओगरनाथ मंदिर पीएम पहुंचे थे और मंदिर में जाने से पहले उन्होंने अपने हाथ धोए और अंदर जब वे बढ़े तो उनका स्वागत किया गया। शिवलिंग पर उन्होंने जलाभिषेक किया। पीएम मोदी का तिलक लगाकर और अंगवस्त्र पहनाकर उनका स्वागत किया गया मंदिर के अंदर, और फिर पीएम शहीदों को पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित भी आज की है। शहीद स्मारक पीएम मोदी पहुंचे थे और उसके बाद इस वक्त वे खिलाड़ियों से संवाद कर रहे हैं। जो ये खेल यूनिवर्सिटी की सौगात मिलेगी उसमें किस तरह की सहूलियतें हों, अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड्स को कैसे मैच किया जाए ताकि हमारे जो युवा हैं वो अंतर्राष्ट्रीय खेल के मंच पर अपना जौहर दिखा सके, उन्हें ज्यादा सहूलियतें मिले, इस मकसद से ही इस खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी मंच पर जब पहुंचेंगे उनके संबोधन को सुनने के लिए, उन्हें देखने के लिए काफी तादाद में इस वक्त मेरठ के रैली स्थल पर लोग मौजूद हैं। और इस स्थल पर पहुंचे लोगों से भी बात की थी हमारे संवाददाता ने, और हमने आपको सुनाया था कि कितना उत्साह है पीएम को देखने सुनने के लिए लोग यहां पहुंचे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे क्षेत्र में पीएम मोदी आ रहे हैं और हम जानना चाहते हैं कि वो किस तरह से और किस मकसद के साथ ये सौगात हमें दे रहे हैं। तो आज पीएम मोदी को सुनने के लिए इस स्थल पर पहुंची लोगों की भीड़ भी हम आपको दिखा रहे हैं, और अभी भी कार्यक्रम स्थल पर लोगों के आने का सिलसिला जारी है। तो जहां रैलियों का ये रैला आज नए साल पर इतवार के दिन भी लगा हुआ है, अखिलेश यादव से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी सभी मैदान में हैं। मेरठ में आज बीजेपी की और सरकारी, हालांकि ये कार्यक्रम है लेकिन चुनाव आचार संहिता लगे उससे पहले सरकारी कार्यक्रमों के माध्यम से, योजनाओं के माध्यम से बीजेपी जनता तक पहुंच रही है। तो वहीं समाजवादी पार्टी से लेकर अलग अलग पार्टियां भी अपनी रैलियों से अपनी कोई विजय रथ यात्रा निकाल रहा है तो कोई सम्मेलन कर रहा है, लेकिन फिलहाल ये प्रदेश सरकार की एक भेंट मेरठ को मिलने वाली है। मेरठ में खेल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज होने जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी मेरठ में जनसभा स्थल पर पहुंचेंगे, उससे पहले लोग पूरे उत्साह के साथ इंतजार में बैठे हैं। इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में लोग इस कार्यक्रम में पीएम को सुनने के लिए पहुंचे हुए हैं।